नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास ये सेलो कंपनी का ब्लेजिंग 600 ए इंडक्शन कुकर रिपेयर होने के लिए है। तो आइए इसको चालू करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें सप्लाई लगा दी है। इसे मैं चालू करता हूँ, ये देखिए टिक करके आवाज़ आ रही है। ये देखिए ये अभी चालू हो गया, और जैसे ही मैं इसे कम करता हूँ बंद हुआ, स्टार्टिंग में ये नहीं उठा रहा है। ये देखिए तो ये प्रॉब्लम जो है ये इसके स्विच का है। ठीक है, इसमें कौन सा स्विच लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल मीटर है 500 के का, ये इसमें लगता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप कंपनी का लगाने जाएंगे तो ये कंपनी वाले 350 से 400 रुपये का सिर्फ आपको हाथ में देंगे, लगाना आपको पड़ेगा। तो ये जो पोटेंशियल मीटर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका मार्केट में इजीली आपको 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आइए हम आपको इसको पहले खोल के दिखाते हैं इसमें कौन सा लगा है। पहले देख सकते हैं मैंने खोल दिया, इसको खोल के दिखाता हूँ। ये हमने निकाल दिया, इसके बाद हम इसकी केबल डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से निकाल के। ये हमने अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये वाला इसका पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी केबल डिस्कनेक्ट कर लीजिए। ये निकल चुका है, उसके बाद आपको ये पोटेंशियल मीटर निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये इसके नॉब को बाहर की तरफ आपको खींचना है। ये निकल गया, उसके बाद जो नॉब है ये आपको निकालना पड़ेगा, स्क्रू सॉरी। ये निकल गया, ये हमारा निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा ना, जो उसका ये नॉब है ये वाला, ये इसमें फंसेगा, तो हमें ये काटना पड़ेगा। तो हम वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें से इसको आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं क्या फ़र्क है। ये देखिए दोनों सेम है, दोनों दो पिन का है, इजीली आप चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये दो शोल्डर आपको निकालना है, ये दो शोल्डर आपको निकालना है। तो आइए इसे जल्दी से निकाल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पुराना वाला पोटेंशियल मीटर मैंने निकाल दिया है पीसीबी में से। अब इसमें हमें ये नया वाला लगाना पड़ेगा। तो ये नया वाला आपका सेम, देखिए सेम खांचे से लग जाएगा, सिर्फ ये इसकी पिन जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी ऐसे करके खींचनी पड़ेगी बस। तो इसे हम जल्दी से फिट करके आपको दिखाते हैं। ये मैंने लगा दिया है नया वाला, ठीक है। अब इसे हम जल्दी से पहले फिट नहीं करेंगे, इसमें हम लगा के चेक कर लेते हैं और आपको भी सामने चेक करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें लगा दिया, इसका डिस्प्ले पीसीबी और ये कंट्रोलर का इसमें कनेक्शन दे दिया है। इसे अब हम सप्लाई पे लगाते हैं आपके सामने। ये हमने सप्लाई पे लगाया है, इसे हम चालू करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए सेंस करना चालू हो गया स्टार्टिंग में ही। इसे हम बढ़ाते हैं, देखिए सही काम कर रहा है बिल्कुल, मतलब हमारा इंडक्शन कुकर रिपेयर हो चुका है। और इसमें प्रॉब्लम जो थी सिर्फ और सिर्फ ये स्विच की थी, और ये स्विच इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा अगर आपको पता है तो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ब्रांड पे जाएंगे तो ब्रांड से लेंगे तो आपको वो भी यही करके देगा, और इसके चार्जेस आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा चालू हो चुका है, ठीक है। अब इसे हम जल्दी से इसे फिट करते हैं इस बॉडी पे और नॉब को लग के दिखाते हैं कि कैसे करना है। और उससे पहले हमें ये इसको कट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा नॉब इसमें फंसेगा। तो इसे हम चाकू से जल्दी से कट कर लेते हैं और इसे टाइट करके इसके नॉब आपके सामने लगाते हैं। आप देख सकते हैं इसको दोस्तों मैंने कट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको टाइट कर लिया प्रॉपरली। अब इसमें हम ये वाला नॉब लगाएंगे। नॉब को कैसे लगाएंगे, अब कैसे भी लगाइए लग जाएगा, पर ये जो वाइट वाला निशान है इसको ऑफ पे रखिए ताकि प्रोफेशनल भी लगे कि आपने सही लगाया है। ये लगा दिया हमने, ये देखिए इसे वहीं तक जा रहा है जितना कंपनी ने दिया है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू।